बेटे, हमने इन्हें यहाँ बुलाया। मतलब यहाँ क्यों? दी, मुझे इस लड़की की शक्ल भी नहीं देखनी है। कभी रेजिग्नेशन देने के लिए, कभी पार्टी में मिठाई देने के बहाने, पता नहीं कौन कौन से बहाने कर कर ये यहाँ आती रही है, और आज आप इसे यहाँ लेकर आई हैं। अपनी बातों से और शक्ल की बेचारगी से शायद इसने आप सबका दिल जीत लिया होगा, लेकिन मेरा नहीं। मैं इसका असली चेहरा देख चुका हूं। हमारी बेइज्जती की, और इस बार उसने अंजलि जी से भी इतनी बुरी तरह से बात की। जरा सोचो जीजी, अंजलि जी को कितना बुरा लगा होगा। वो आदमी सच में बहुत बुरा है। दरवाजा खोलो प्लीज। दी, आप जानते हो मेरा वो मतलब नहीं था। दी, दरवाजा खोलो प्लीज। तीन ऑफ दी, प्लीज दरवाजा खोलो। दी, क्या जरूरत थी खुशी को इस तरह बेइज्जत करने की? अंजलि बिटिया चाहत रही कि खुशी मिस कश्यप को थोड़ा सलीका सिखाए। वो सारा दिन आपके बारे में सोचे थे, और आप इनके लिए इतना भी नहीं कर सकते? अम्मा, हम खुशी, आप चिंता मत कीजिए अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। देवी मैया बस हमारी परीक्षा ले रही है, और हम फेल नहीं होंगे। ये तसल्ली से मुश्किल का हल नहीं हुआ थे पगले। सब ठीक होगा अम्मा, आप बस हिम्मत रखें। हमें पूरा यकीन है कि इस अंधेरे के बाद एक दिन देवी मैया की ज्योत की रोशनी जरूर आएगी, और हमें आगे का रास्ता भी दिखाएगी। आप बस बाबूजी का ख्याल रखना। अच्छा, हम रखते हैं। हिम्मत रखो जीजी, बाबूजी की तकलीफ सिर्फ तभी जाएगी जब हम दुकान छुड़ा पाएंगे। बस हमें दुकान को छुड़ाने का कोई ना कोई रास्ता मिल जाए।